तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यार ये दिवाली वेकेशन का हैंगओवर अभी तक गया नहीं है। मतलब ये स्नैप के मेमोरीज में बस थाईलैंड की फोटोज देख देख के वही टाइम याद कर रहा हूँ कि यार थोड़ा टाइम और मिल जाता उधर। बट यार वेकेशन से वापस आते हैं तो थोड़ा सा टाइम होना मिलना चाहिए कि यार हम थोड़ा सेटल हो जाए, कि वो मूड से बाहर आ जाए। बट ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। मैं आया, नेक्स्ट डे ऑफिस चालू हो गया और ज़्यादा स्टाफ आया नहीं, तो सारा काम अपने ऐसा देता गए, हम करते गए। बट बहुत अच्छा टाइम भी मिला मुझे। ये टाइम इसलिए अच्छा क्योंकि सारा काम अभी खुद किया, तो सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अपन खुद कर सकते हैं। तो जो भी था मज़ा आया। और आज सैटरडे आ गया है तो मैंने सोचा कि थोड़ा कंसिस्टेंट रहते हैं, कि अब थाईलैंड का प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया, अब सूरत के ब्लॉग वापस चालू करें। आज सुबह थोड़ी तबीयत खराब थी और रात को नींद भी ढंग से नहीं आई, इसलिए आज ऑफिस गया नहीं। बहुत वीकनेस लग रही थी, अभी खाया पिया दवाई लिया, एकदम फिट एंड फाइन। और अभी अपन जिम के लिए रेडी हो चुके हैं और थाईलैंड से आने के बाद 3% फैट गिरा दिया, तो काफी अच्छी फीलिंग है कि भाई अभी बहुत रेगुलर हूँ, डाइट भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, प्रोटीन इंटेक अच्छे से जा रहा है। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप ऐसा कंसिस्टेंट रहते हो ना कि भाई हाँ हो रहा है। क्योंकि वर्कआउट करना तो इजी है, वर्कआउट करना आप रोज कर सकते हो, द मेन प्रॉब्लम इज डाइट। और अभी टचवुड एक हफ्ते से डाइट एकदम अच्छा क्लीन खा रहे, मजा आ गया एकदम। और आज हम लोग शायद एक फ्ली में भी जाने का सोच रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग चालू करें, कंसिस्टेंसी बरकरार रखे और अभी ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करते, जिम के लिए निकलते हैं। प्री वर्कआउट ले चुके हैं और अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ है ना मैंने एक प्रोटीन का डब्बा खरीदा था, साला एक महीने में खत्म हो गया, तो जेब पे थोड़ा भारी पड़ता है। तो इस बार मैं पूरी बाल्टी ले आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा हंगरी मसल का मैंने पूरा बाल्टी खरीद लिया, 4 किलो का है शायद ये, और इसके अंदर 120 स्कूप है। तो ये 2 महीना तो अंदाज चलेगा, थोड़ा बजट फ्रेंडली भी है, टेस्ट काफी अच्छा है, इंग्रेडिएंट्स काफी सही है और ट्रस्टेड है, तो मैंने ले लिया। अगर आपको चाहिए कोई प्रोटीन ढूंढ रहा है तो देख लो, ये अच्छा ऑप्शन है भाई। क्या तगड़ा वर्कआउट हुआ, मजा आ गया, क्या पंप आया शोल्डर में। और सबसे मेन बात, मैं थाईलैंड से आया था, मेरा फैट परसेंट था 28, अभी मैं 23 पे आ चुका हूँ। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, पता है अभी भी ज्यादा है, बट ये मेरा मतलब 10 दिन में जो अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, मतलब एकदम क्लीन खाया, अच्छा वर्कआउट किया, अच्छा रिकवरी दिया, मजा आ गया। अभी जल्दी जल्दी घर पे चलते, अक्षत घर पे आ रहा है, रेडी होने का है, बाहर जाने का है, तो बहुत खुशी हो गई यार, मजा आ गया। तो गाइस एकदम रेडी हो गए, ये देखो मस्त चीता प्रिंट हो गए थे ना, चीता के साथ खेलने उधर से शर्ट लिया था, और ये देखो एकदम ड्रिप किंग इन हिज एसेंशियल्स एंड नाइकी। और मैंने कुछ ऐसा पहना है, ये शर्ट, ब्लैक पैंट, चंकी जूते, एकदम फूल, थोड़ा अभी सज धज के जाते हैं, बड़े टाइम बाद रेडी हो रहे हैं, ऐसे फ्लीमली में जा रहे हैं, 1 साल बाद जा रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एक मित्र तो अहमदाबाद में क्या बोलते हैं, बहुत पढ़ाई कर रहा है आशुतोष, हम उसको बहुत आज फाइनल से 7 मिनट बात की मुझसे, 7 मिनट्स आशु भाई साहब की एग्जाम्स आ रही है, वो कॉलेज में अलग मस्ती कर रहे हैं, हम दो अकेले इधर बचे, क्या करें, आशु हमको भाव नहीं देता है, बट कोई नहीं, चला लेंगे, ये दर्द भी सह लेंगे। तो हम आए ये लम्हे द फेस्ट में, काफ़ी सूना सूना लग रहा है, देखते हैं, चलते हैं थोड़ा अंदर, देख क्या क्या है। बड़े टाइम बाद फ्ली में आया हूँ, बट बहुत शांत शांत लग रहा है, देखो कुछ आवाज़ ही नहीं है पीछे, सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए और मैं देखो यही मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड। तो अभी चालू होगा प्रोग्राम वोग्राम थोड़ा, हाँ देखो। तो देखो जिनके लिए हम आए, जिनके परफॉर्मेंस के लिए भाई, कसम से आपके लिए आया हूँ, इससे पूछ लो, हमने उस दिन आपको बोला था, आपके वजह से ही पता चला ये है भाई, जगत बंधु ऐसे ही। अरे यार बस आपके परफॉर्मेंस देख के निकलूंगा। तो गाइस अब जाके भीड़ आई है 1 घंटे बाद, पेट पूजा भी कर ली थोड़ी, अभी थोड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि इतना खाली हमने देखा नहीं था, अब थोड़ी थोड़ी फिर भी एज कम्पेयर टू बाकी हम लोगों ने जितना अटेंड किया कम है भीड़, तो देखते हैं चलो। ये देखो अब भीड़ दिखी है थोड़ी, जितने तेरे रंग वर का आज दिन चढ़या, तेरे रंग वर
फर्क। कहने की इजाजत नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। जो किताबों में भी लिखा ना हो, मुझे वो उपन्यास चाहिए। हर्फ अल्फाज के साथ साथ उन अल्फाजों पे इखलास यानी कि बिलीफ चाहिए। मुझे तोहफे में जेवरात नहीं, मुझे कुर्बत का एहसास चाहिए। जो बेमिसाल बेनजीर बेलौस हो, मुझे वो प्यास चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, मुझे प्यार नहीं। हॉलमार्क का कार्ड नहीं, मुझे बेशुमार लिहाज चाहिए। डेट पर जाना नहीं, मुझे रक से परवाज चाहिए। महंगे होटल का खाना नहीं, मुझे अपने वजूद का मुकाम चाहिए। स्माइली के इमोटिकॉन्स नहीं, मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान चाहिए। एक सुबह पापा है मुझे उठाकर बोले, चलो यार आज मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाता हूँ। यार अब तक आफ्ताब ने भी आंखें खोली नहीं थी और मैं खुद रात को देरी से सो रहा था, तो मैंने वही कहा जो हर बच्चा कहता, ठीक है पापा। बाबा मुझे बाहर ले गए, बाहर एक चमचमाती साइकिल मेरा इंतजार कर रही थी। साइकिल को देख के मेरा मासूम सा मन उछल कूद करने लगा, पर जैसी मेरी नजर पिछले पहिए के ट्रेनिंग व्हील्स की गैर मौजूदगी पे पड़ी, मेरा मन फिर बिसे बैठ गया। जहन में एक डर सा उठा था जिसको शायद बाबा ने भाप लिया था, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा मैं हूं ना। तो उस छोटी सी साइकिल की छोटी सी सीट पे मैंने अपनी छोटी सी तशरीफ जमाई, पेडल पे जोर डाला, जिससे साइकिल डगमगाते हुए आगे बढ़ी, जिससे मैं बहुत खुश था। पर ना जाने कि बाबा पीछे से चिल्लाए जा रहे थे कि बराबर चलाओ, हैंडल देखो कहाँ जा रहा है, गिर जाओगे। अरे पहले दिन इतनी कसरत कौन कराता है यार। लेकिन बाबा मुझे कसरत हर रोज करा रहे थे, और फिर एक दिन अचानक मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ दिया। उस दिन खुशी के मारे में पीछे मुड़ के बस बाबा को ये कहना चाहता था कि देखो देखो बाबा आज मैं साइकिल चलाना सीख गया। पर जैसे मैं मुड़ा, मैंने देखा कि बाबा बहुत दूर खड़े थे। उनको उतना दूर खड़ा देख मैं डरा, और मेरे डर की वजह साइकिल डगमगाई, और आज पहली बार के लिए बाबा दौड़े दौड़े आए, थोड़ा मुस्कुराए और मुझे उठाकर घर ले गए। पर ना जाने कि उस दिन से गिरने का एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि जहां मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ा वहीं पे मैं मुड़ जाता, और जब तक मेरी नजरें फिर रस्ते पे पड़ती मैं खुद रस्ते पे पड़ा होता। तो गाइस वापस घर पे आ गए, बहुत पैर दुख रहे थे। अच्छा था, क्राउड अच्छा नहीं था, बहुत टिपिकल गुजराती, मतलब गुजराती गालियां उधर ज्यादा सुनने को मिल रही थी मेरे को, तो वो मजा नहीं आया। बट ठीक है, हम लोगों ने अपने मजे किए, लोगों के ऊपर हमने कमेंट्री बहुत पास करी, फुल कमेंट्री पास करी हम लोगों ने, तो हमने हमारे पूरे मजे लिए। अभी हम लोग आज फिर नाइट स्टे भी हमने प्लान कर लिया, तो हम अभी कहीं और जा रहे हैं नाइट स्टे के लिए, तो उधर जाके आपसे बातचीत करते हैं। तो गाइज अभी हम आ गए वेलीजा, हमारे वीकेंड होम पे, और फुल नाइट सेट, एकदम खाना पीना अच्छा ले आए, और अभी यहाँ से आपको मैं सीन दिखाता हूँ। अक्षत कैसा लग रहा है? फुल सेट अब हमारे, रात पूरा सेट, पीएस खेलेंगे, मूवी देखेंगे, फुल मजा नहीं लाइफ है, फुल मजे नहीं लाइफ, अब मजा आएगा। तो गाइज मस्त हमने मूवी देखी, रजय वजय में आ गए, रूम एकदम ठंडा कर दिया, और मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ऐसा महीने में एक रात होनी चाहिए, शांति से बैठो, मूवी देखो, गाने वाने सुनो, और मस्त वाइब करो, वाइब करो। अभी हम लोग वापस बाहर जाएंगे, मस्त ठंडा हो गया, थोड़ा वॉक वॉक करेंगे, फिर सो जाएंगे। ये देखो फुल चिल माहौल हमने अभी देखी, हैरल्ड एंड कुमार, ये मूवी एक बार आप देखना, मस्त है, दोस्तों के साथ ही देखना, इसमें मस्त अच्छे अच्छे सैंडविच मिलते हैं। तो गाइज गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया, हम लोग अभी सोच रहे स्विमिंग के लिए जाए, बट पानी इतना ठंडा है कि हिम्मत नहीं हो रही हमारी। कसम से रात को मूवी देखी, अच्छा खाना खाया, क्या नींद आई। अभी 11 बजे हम लोग उठे, 12:15 हो चुके हैं, अभी कुछ नाश्ता करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर थोड़ी देर घर पे रहेंगे, फिर वापस मिलने का प्लान हो जाएगा हमारा। आपके पापा के टैग गीक होने का फ़ायदा फुल में भाई, कसम से एक बात बताऊँ, मेरे को पीएस का कोई शौक नहीं है, मैं आज तक ऐसा गेम वेम खेला नहीं, पापा ला के रखे, तो कभी कभार ऐसे मौके आते तो हम खेल लेते आते, बाकी मैं तो खेलता नहीं इतना सब कुछ। तो अक्षत कैसी नींद आई आपको? भाई ये तो बेहोश हो गया था 5:30 बजे तो, और अभी हम लोग निकल रहे, पेट पूजा करेंगे, जाएंगे नहाएंगे, वापस मिलेंगे, आज काम कुछ नहीं है, तो अभी थोड़ी देर खा पी के फिर घर जाके रेडी होके व्लॉग एंड करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, इन तक देखिएगा। तो गाइस हमारा संडे का प्लान भी सेट हो चुका है, अभी हम आए बंगलो कैफे पे वेज खाने के लिए, हमारा हर संडे का एक ये तो रहता ही रहता है, उसके बाद हम लोग मूवी जाएंगे। कौन सी मूवी जा रहे हैं? ऊंचाई मूवी देखने जा रहे हैं। हम लोग को पहले सीट मिल रही थी नीचे के दो रूम में, हम लोग लेने गए तो एक बहुत प्यारे अंकल आंटी आए, उन्होंने बोला कि हमारे पास 4 टिकट है, हम जन सिर्फ 2 ही है क्योंकि बाकी दोनों ने डिच कर दिया,
तो वो हमको अच्छे मिडिल रो में टिकट मिल गई सस्ते में और अपना प्लान सेट हो गया। अक्षत अभी हमारे नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग कर रहा है और स्पॉन्सर भी अक्षत ही करने वाला है। सर खाली सारे ठीक है। अक्षत कौन सी सिटीज देख रहे हो आप? एक तो एम्स्टरडेम और फिर मोनाको। वो भी महंगा पड़ेगा। देखो गाइस अगर आपको ऐसा मोनाको और एम्स्टरडेम के ब्लॉग्स चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करो और व्यूज बढ़ाओ तो पैसा आएगा, अपन घूमने जाएंगे और कंटेंट देंगे आपको। सो सब इनडायरेक्टली आप पे डिपेंड करता है तो करो अभी कभी। तो गाइस हमने अभी ऊंचाई मूवी देखी, बहुत प्यारी चुम्मा मूवी है। हमको आशु को इतनी याद आई ना, हमने हर जैसे 10-10 मिनट में आशु को याद किया है। बहुत प्यारी मूवी है, एक बार आप सब लोग देखना, मजा आया देख के भाई कसम से। अभी थोड़ा पेट पूजा करते हैं घर जाते हैं। इस ब्लॉग एंड करने का मौका ही नहीं मिला, दो दिन निकल गए लास्ट शॉट को। मैं इतना काम में निकला, बिजी था, अभी एक शूट के लिए जा रहा हूँ। देखो थोड़ा मेकअप पोता हुआ है, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं, बट जरूरी था करना। तो मैंने सोचा अभी गाड़ी में मैंने कॉफी मंगाई है तो वेट करते करते तब तक अपने ब्लॉग एंड कर दे। तो अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले ब्लॉग में, हम आप और वो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।